अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नौशाद भाई को रियाद पुलिस ने किया अरेस्ट। इसका सच्चाई क्या है और अभी नौशाद भाई कहां पर सफर कर रहा है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्नाटक से मक्का पैदल हज के सफर पर निकले थे नौशाद भाई, और नौशाद भाई अपना सफर आगे करते हुए इंडिया कम्प्लीट करके पाकिस्तान में एंट्री किया था, और पाकिस्तान से नौशाद भाई ओमान गए थे, और ओमान में अपना सफर कम्प्लीट करने के बाद दुबई में एंट्री किया था, और दुबई में अपना सफर कम्प्लीट करने के बाद नौशाद भाई ने सऊदी अरब में एंट्री किया था, और नौशाद भाई सऊदी अरब में सफर कर रहा था और रियाद तक सफर किया था, और रियाद में नौशाद भाई के साथ क्या हुआ था आप सभी लोग तो जानते होंगे कि रियाद के अलमला जेंटर सिटी होटल से नौशाद भाई का फोन वगैरह चोरी हो गया था, उसमें डॉक्यूमेंट्स था, तो उसके लिए नौशाद भाई को रियाद के अंदर 15 दिन स्टे करना पड़ा। उसके बाद नौशाद भाई अपना सफर रियाद से स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों नौशाद भाई के बारे में जो बताया जा रहा है कि नौशाद भाई को रियाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, असल में नौशाद भाई को रियाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। नौशाद भाई के बारे में उल्टी सीधी बात बोल जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ये बोल रहे हैं कि नौशाद भाई को अरेस्ट कर लिया है, कि नौशाद भाई हज नहीं कर पाएंगे, ये दिखावा है, बहुत कुछ बात बोल रहे हैं नौशाद भाई के बारे में। तो नौशाद भाई के बारे में उनके बारे में भी जवाब दिया है। तो दोस्तों नौशाद भाई भी कहां पर सफर कर रहा है, दोस्तों नौशाद भाई रियाद एग्जिट करके नौशाद भाई अभी कसिम रोड में सफर कर रहा है, और नौशाद भाई को मदीना पहुंचते हुए अभी 350 किलोमीटर बचा हुआ है, जल्दी ही नौशाद भाई मदीना एंट्री करेंगे। और दोस्तों नौशाद भाई सऊदी अरब के अंदर 4 से 5 मंथ रहेंगे, तो आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों नौशाद भाई कर्नाटक से मक्का पैदल हज के सफर पर निकले थे, आप सभी लोग तो जानते होंगे, और सऊदी अरब में सफर कर रहा था, और रियाद के अंदर नौशाद भाई का मोबाइल चोरी हो गया था। उसके बाद नौशाद भाई अपना सफर रियाद से आगे स्टार्ट कर दिया था, और कुछ लोग बता रहे हैं कि नौशाद भाई को रियाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नौशाद भाई को कोई पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। तो नौशाद भाई अभी कासिम रोड में सफर कर रहा है, जल्दी ही मदीना में एंट्री करेंगे। तो नौशाद भाई के लिए दुआ करें कि नौशाद भाई सही सलामत मक्का मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंच पाए। तो बोलने में समझाने में कोई गलती हुई तो इसलाह करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सऊदी में रहूंगा, मेरा टारगेट मेरा डेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आज तक मैं रुकूंगा सऊदी के अंदर ही रहेगा। तो मक्का में बहुत जगह है, नबी का फैमिली का भी, सहाबी लोग का भी मकबरा, बहुत जगह है जाने का, वहाँ पर सब जाने का है इंशाल्लाह। और 4 महीना 4-5 महीने तक सऊदी के अंदर ही रहूँगा। एक्चुअली नौशाद स्टेशन में रियाद पुलिस लोग अरेस्ट किया बोल के, कुछ भी क्या क्या पूरा बोल कर रहता है, उसकी वजह से हम लोग उसका टेंशन ले को कोई बात नहीं।